गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पे चावल उबाल लेती हूँ मैं, और चावल देखिए वो तेल और नमक डाल के उबाले हैं, आप लोग देख ही सकते हो, तुड़का रखा है। एंड मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड यहाँ रिफाइंड डाल ले रही है, बच्चों के पीछे से आवाज़ आएगी, सो प्लीज़ माइंड मी। एंड यहाँ थोड़ा सा तेल ज़्यादा पड़ गया है तो वापस निकाल लेती हूँ, और इसमें सारे खड़े मसाले डाल लेती हूँ, तेज़पत्ता, काली मिर्ची, और इनको भुजने दूँगी। भुजने के बाद इसमें मसाले सोयाबीन डालूँगी। एंड ये भुजिया बहुत टेस्टी होती है, प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिए। एंड इसमें मैंने सोयाबीन डाल दी है, सोयाबीन को भुजने देती हूँ खड़े मसाले के साथ, सारा मसाले भूजते ही डालती हूँ। प्लीज़ मेरी अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नए आए हैं वो तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए भूज लेती हूँ इनको थोड़ा सा, फिर वापस बात कर लें। तो देखिए कितने अच्छे से छोटी वाली सोयाबीन यूज करना है, और बड़ी वाली में कुछ नहीं हो तो ये करना है। अब ये निकाल लेते हैं, ये देखिए अब ये थोड़ा कढ़ाई को सही कर लेते, नहीं तो जलने की वो आ रही नॉन स्टिक पैन, तो ये तो लगेगी लगेगी। तो इसमें थोड़ा सा तेल और डाल लिया, और डाल लेंगे, और इसमें थोड़ा जीरा और हींग डाल दी है, और प्याज डाल के भूज लेते हैं। देखिए बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत टेस्टी, आप लोग ट्राई करना फिर पता चलेगा। मैंने एक आलू काटा है, आलू को भी अच्छा से भूज लेते हैं, और भूनने के बाद आगे स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ब्राउन हो गए, इसमें टमाटर बड़ा बड़ा काट लिया है वो डाल दिया, उसको अच्छे से थोड़े सारे मसाले ऐड कर देंगे, वही नॉर्मली मसाले ऐड कर दिए सारे। नमक ध्यान से डालूँ क्योंकि उसमें चावल में भी नमक चावल में भी डाला है, तो उसमें भी डाले, बच्चों की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर। एंड गर्म मसाला भी डाल दिया है, एंड इनको मिला देते हैं, ये छोना है मेरी। और ये देखिए पता नहीं कब वीडियो पहुँचेगा, बहुत लेट हो जाएगी सर। ये इसमें मैंने जो आप लोगों ने देखा था, मैंने इसमें सोयाबीन डाल दी है। अब ये देखिए गरम गरम चावल, कितने एक एक को रखा है चावल, ये भी नहीं है कोई इंडिया गेट वगैरह वाले चावल नहीं है, चावल बनाने का वो होना चाहिए, कोई से भी हो अच्छे से बनाए। ये देखिए मैंने रिफाइंड और नमक डाल के उबाला था, और ये कितने सुंदर लग रही है देखिए। थोड़े धनिया की कमी थी, वो मेरे पास थे नहीं इसलिए, और ये बन गए हैं, मैंने इनमें नींबू निचोड़ दिया है। और ये और आ जाइए आप लोग भी खा के देखिए कैसे बनते हैं, और ट्राई कीजिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ये देखिए खा लो, आ जाओ फ्रेंड, आप लोगों की फैमिली है तो आप आ जाओ। एंड खाने का काम ख़त्म हो गया, ये मैं कुछ मार्केट गई थी, यहाँ मार्केट का ठेले वाला आया था उससे लिए। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना, सारे केले मेरे पास नहीं थे। ये देखिए छोटू से नहा के लगा लो, एंड ये ब्लैक वाला कितना अच्छा लग रहा है ना। हाय डियर, रिद्धि सिद्धि चैनल में आप लोगों का स्वागत है, और आप लोग कैसे हैं? एंड सारा काम ख़त्म हो गया है, मैं ज़्यादा वीडियो तो बड़ा बना ही नहीं सकती हूँ, इसलिए अभी छोटे छोटे से काम चला लेती हूँ, फिर बड़ा भी बनाऊँगी। तो आप लोग कैसे हैं, राखी की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैंने बनाए थे चावल, जो आप लोग देख ही लेंगे कैसे बनाए, एंड थोड़ा सा नमक कम रह गया बस, बाकी बहुत टेस्टी बने थे, आप लोग ट्राई ज़रूर करना। सारा सिंपल सा, लंच में भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हैं। एंड मैंने सोचा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो मैंने बोला यही बना लेते, ये बेस्ट है, तो वही बना लिया है। और शौना सो गई है, और क्या, और राखी पे अच्छे अच्छे से रहिए, अच्छे से राखी बांधिए, अच्छे से शॉपिंग कीजिए। ऑलमोस्ट सबने ज़्यादातर तो शॉपिंग कर भी ली होगी, है ना? मैंने तो अभी कुछ नहीं लिया है क्योंकि मुझे कहीं जाना ही नहीं है, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, मुझे कहीं नहीं जाना। सो चलिए, मैं 3-4 मिनट या 5 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बना सकती हूँ, तो प्लीज़ गाइज आप लोग समझिए, मैं छोटी छोटी वीडियो ही बना सकती हूँ, मेरे मोबाइल में इतना स्पेस नहीं है जो मैं बड़ी वीडियो बना सकूँ। तो चलिए
वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। एंड ये संडे का ब्लॉग है, संडे को ही मैं तुरंत ब्लॉग बनाती हूँ और तुरंत ही डालती हूँ। अभी इसकी एडिटिंग करूँगी, तब पता नहीं कब पहुँचेगा आप लोगों के पास, कब पब्लिश होगा। चलिए तो अपना ध्यान रखिए एंड राखी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं एंड बाय बाय, टेक केयर।